वेलकम टू नई सुबह कहानी घर। कहानी घर नई सुबह टेल्स नरेटेड बाय निस्मा आलम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह कहानी घर में खुशामदीद। मैं हूँ निस्मा आलम और आज हम सुनेंगे कहानी कव्वे के अंडे महफूज। दरिया के किनारे एक दरख्त में कौवा अपने घोंसले में रहा करता था, लेकिन उस दरख्त की लकड़ी में सांप भी अपना बिल बनाकर रहता था और आए दिन वो कौवे के अंडों पर हमला कर देता। कौवा सांप से बहुत ज्यादा परेशान था कि मैं बिल आखिर सांप का करूं तो क्या करूं, मैं अपने अंडों और अपने बच्चों की कैसे हिफाजत करूं? लेकिन कौवा क्योंकि छोटा था इसलिए सांप का मुकाबला नहीं कर सकता था। एक दफा की बात है, एक शहजादी दरिया में सैर व तफरी की गर्ज से आई। शहजादी ने अपना कीमती हार दरिया के किनारे रख कर नहाना शुरू कर दिया। कौवे ने जल्दी से हार पर झपट्टा मारा और हार लेकर दरख्त पर भाग गया। शहजादी बहुत परेशान हुई। सिपाहियों ने दरख्त पर जाकर कौवे से हार लेने की कोशिश की। कौवे ने जल्दी से वो हार दरख्त की लकड़ी में फंसा दिया और सांप ने वो हार पकड़ लिया। अब जैसे ही सिपाहियों ने सांप से हार छीनने की कोशिश की तो सांप ने आगे से हमला कर दिया, जिसकी वजह से सांप की सिपाहियों से खूब पिटाई हुई और सांप को वहां से भाग नहीं पड़ गया। इस तरह कौवे ने अक्लमंदी से अपने अंडों को महफूज कर लिया। तो देखा बच्चों, हमें इस कहानी से सबक मिलता है कि अगर अक्ल से काम लिया जाए जज्बात के बजाय तो हर काम आसान हो सकता है। नई सुबह के कहानी घर में इतना ही। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।